एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आदि कुशवाहा। उम्मीद करूंगी आप सब अच्छे होंगे। एंड आज पैकिंग वाली वीडियो मैं शूट कर रही हूँ और पैकिंग भी कर रही हूँ। ऑफ कोर्स यार, मतलब ये पूरा मैस देख के ना मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। आप देख लो कितना ज्यादा सामान बिखरा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा। रुको मैं और अच्छे से दिखाती हूँ। मेरी ना यही गंदी आदत है कि जब भी मैं कोई चीज करती हूँ ना तो बहुत गंदा मैस फैलाती हूँ, मतलब हर जगह सामान फैल जाता है। एंड पैकिंग की बारी है तो ऑफ कोर्स फैलेगा ही। यहाँ पे सैनिटरी पैड्स रखे हुए हैं, साथ ही साथ कपड़े रखे हैं जो लेके जाना है, मेकअप प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप देख रहे हो। एंड इन सबको मुझे अरेंज करना है। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया है इस वाले बैग में पीरियड किट बनाने का। तो कारमेसी से मैं ये चार रख ले रही हूँ और अजा के में से तीन मैंने निकाल लिए। और ना ये पिंक ब्रांड का है ना, ये मेरे पास ये बॉक्स उसी का है, तो पिंक वाले सैनिटरी पैड में रख ले रही हूँ। एंड ना एक और चीज मैं अपने साथ लेके जाने वाली हूँ जो कि ये है हॉट वाटर पैक। अगर जरूरत पड़ती है तो छोटू सा है और इस पाउच में आराम से आ जाएगा। फाइनली एक चीज कम्प्लीट। अब बारी आती है स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था क्या क्या लेके जाना है। ये वाइप्स है तो वाइप्स को जो है मैं बाहर रखूंगी क्योंकि उसकी जरूरत बाहर पड़ेगी ट्रेन में। तो यहाँ पर ये हो गया है मेरा स्किन केयर का बॉक्स भी रेडी। अब आपको जानना होगा क्या क्या लेके जा रही हूँ, मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी वो चीज। मैं बस सामान पहले एक जगह ना रख लूँ कि कौन सी चीज किसमें रखनी है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी। यार ये रहे मेरे मेकअप प्रोडक्ट। इसके अंदर मतलब मेकअप प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, क्लिप है, क्लेचर है, सब है इसमें, बहुत सारी चीजें मतलब पड़ी हुई हैं। अब इनमें से मैं चुनूंगी क्या क्या मेरे को लेके जाना, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। कॉमन से प्रोडक्ट रहते हैं मेरे, आपको मालूम होगा हर बार मैं ये लेके जाती हूँ। काजल मिल गया पर काजल का कैप नहीं मिला। अब मिल गया मिल गया मिल गया। पहले ये है वैसलीन का कोकोआ वाला बॉडी लोशन। इसके बाद लेके जा रही हूँ हेयर ऑयल जो कि जरूरी है। एंड वैसे होगा वहां पर बट मैं अभी ये यूज कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये। एंड वाओ स्किन साइंस का ये कंडीशनर एंड शैम्पू। एंड मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये वाला लेके जाऊँ कि ये वाला लेके जाऊँ। एंड दीज बोथ आर फ्रॉम ब्रांड पतंजलि। ये वाला छोटू सा है तो मैं सोच रही हूँ ये वाला लेके जाऊँ, तो ये वाला फाइनल करते हैं। नेक्स्ट जो लेके जा रही हूँ वो है गुड वाइब का रोज टोनर। पाइटी का ना ये मेरे पास हेयर सीरम है तो ये भी लेके जा रही हूँ। खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आती है यार बालों से जब इसको लगाते हैं तो। सेज अपोथेकरी का लिप बाम यार, मतलब मैंने हमेशा यही लिप बाम आपको दिखाया है। ये थोड़ा साइड कर दू, बाकी और प्रोडक्ट मैं कहाँ रख के दिखाऊंगी। एंड नेक्स्ट इज दिस एमकेफीन बॉडी स्क्रब विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। नेक्स्ट इज एवर यूथ का वॉलनट फेस स्क्रब। ये ऐसी चीज है जो कि मैं आपको बोलूंगी कि आपके पास एक होनी चाहिए। एंड दिस इज मिस्ट एंड दिस इज फ्रॉम ब्रांड आइटल विलॉस एंड वेलवेटिना वाला फ्लेवर है जो भी इधर पे मेंशन किया है। दिस इज रियली रियली गुड यार, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट इज जेड रोलर। ये कारमेसी का फेशियल रेजर है मेरे पास तो इसमें से एक लेके जाऊंगी इनकेस अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो। एक्शन टेप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ताकि मैं ऐसे नीचे करूँ ना तो ये जो नीचे होता है ना तो यहाँ पे मैं इस टेप को चिपका लूँ तो वो चीज चिपकी रहे। इस चीज को लेकर मैंने बात की थी आपसे। फेस वॉश के लिए यहाँ पे मैं हिमालय का नीम फेस वॉश लेके जा रही हूँ। छोटू भी है और इफेक्टिव भी है। पॉन्ड्स का मेरे पास ये वाला पाउडर है और दिस इज रियली गुड, फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। फेस पे अप्लाई नहीं करती मैं, हाथ में लेके ना बस इधर इधर लगा लेती बस। इसे फटाफट मैं इसको वापस से बॉक्स में रख लेती हूँ। ओके अब आएंगे पीरियड किट के ऊपर जो कि मैंने आपको बताया बट इसलिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ। मैंने इसमें यहाँ पे ऐड किया है ये कारमेसी के चार पैड है और ये अजा के और ये पिंक के और ये कुछ रैंडम पैड है। और इसमें मैंने रखा है हॉट वाटर बैग। वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज इज दिस डिफेंस स्प्रे, इन केस कभी जरूरत पड़ जाती है तो ये अपने पास रखना है। और इसको मैं एकदम अंदर पैक करके नहीं रखूंगी क्योंकि कभी इमरजेंसी आती है तो अंदर कौन सामान ढूंढेगा, तो इसको भी मैं बाहर रखूंगी। कर लेंगे मेकअप को लेके। एंड कुछ इस टाइप के पाउच में है गोल्डन शिमर में एंड ये पूरा ब्लैक में है और ये दोनों ना मिनिसो के हैं और इसमें अभी तक टैग लटका ही हुआ है और मैंने नहीं हटाया क्योंकि हमेशा फील आता रहेगा कि नया है। वैसे ये दोनों नए हैं। अब मैं एक एक करके क्या निकालू, ये ऐसे करके निकाल लेती हूँ। मेरे हीरे जवाहरात, जवाहरात जवाहरात नहीं जवाहरात क्या बोलते हैं यार। बात कर लेते प्रोडक्ट की, पता नहीं क्या क्या लग गया यार, पाउडर वाउडर सब लगा है इसमें। मेबलिन का ये कॉम्पैक्ट ठीक है एंड मेबलिन का सेम हाईलाइटर, मतलब सारी चीजें वही मेबलिन की रहने वाली है। मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन एंड ये एस क्यू की स्टे क्यूक्री की लिपस्टिक लेके जाने वाली हूँ, ये वाली पिंक वाली ठीक है।
ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है यार, इस टाइप की क्वालिटी काफी अच्छी है। एंड आई ऑल्सो नीड दीज ब्रशेस, ठीक है, तो मेरे पास ये ब्रश है एंड स्पॉन्ज, ब्यूटी ब्लेंडर, वही वाला है जो चूहे ने कुतरा था अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। एंड हाइपर कर्ल मस्कारा एंड अगेन फ्रॉम ब्रांड मेबलिन, काजल लेके जाने वाली हूँ। एंड मेरी फेवरेट लिपस्टिक फ्रॉम शुगर, और इसका शेड है 21 अबरगाइन क्वीन करके, पता नहीं क्या है यार ये वाली है, मैं दिखाती हूँ। वैसे मैंने दिखाया है ऑलरेडी, आप लोग को मालूम होगा, मीन्स आप बोर हो गए उस चीज से कि दीदी यार प्रोडक्ट तो चेंज करो, मेकअप में वही वही आपके पास है। बट एक्चुअली गाइज मैं बहुत ज्यादा एंगेज नहीं हूँ मेकअप से, बहुत ज्यादा एडिक्टेड नहीं हूँ कि मुझे मेकअप करना ही है, ये करना है, तो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट होते हैं एंड ऐसा तो नहीं कर सकती कि जब तक मैंने उनको पूरा यूज नहीं किया तो मैं उनको फेंक दूँ, चेंज कर लूँ, यार क्या ही वेस्ट करना। ओके तो हो गया ये सब। एंड ये मेरे हीरे जवाहर, क्या बोलते हैं, ये मेरे हीरे जवाहर पता नहीं क्या। ओके, कुछ ज्वेलरी आइटम है, इयररिंग है, इसमें रिंग है जो कि मेरी मम्मी ने मंगाई है एंड कुछ मेरे हैं। आ गिरा बक यार ये, अब सब मैं रखूं, आप लोग को दिखा दिया है, अब वापस से तो पैक करना पड़ेगा। करते जाओ करते जाओ, करो करते जाओ करते जाओ, करो करो, मम्मी होती तो कितना सही रहता है ना, वो भी पैक करवा देती। मम्मी नहीं रहती है ना यार, बहुत ज्यादा काम पड़ जाता है मेरे को, घर का काम करो, कॉलेज का काम करो, वीडियो शूट का काम करो, वीडियो शूट करने में बहुत टाइम लगता है, फिर एडिट करो सो अलग। सस्पेंस में है, अभी नहीं बताऊंगी, जब मैं पहनूंगी तब मैं बताऊंगी। अभी बॉक्स रखूं, ये तो साइड ही में रहेगा। ये मेरे बॉटम वियर, पैंट है इसमें, प्लाजो वगैरह है, जीन्स है, ठीक है। मेरे पास ये मेरी जूती, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, और ये वाली सैंडल मेरे पास है, इसमें ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं अगर हो पाएगा तो ठीक है, वरना मैं पापा से बोलूंगी पापा बंदोबस्त करो इसको, किस में लेके जाना है। एंड अब बारी आती है साड़ी, जो जिनके यहाँ पे शादी है ना उनको दी जाती है और बहू को दी जाती है, तो ये साड़ी है एक, ठीक है। तो साड़ी मैंने अलग से परचेज की थी, और ये ऊपर का जो कवर है ये अलग से मैंने लिया था, और ये साड़ी मैंने ली थी अमेजोन से, और ये बेसिकली फुआ को देने के लिए है, और ये ना अराउंड 2000 की पड़ी थी अमेजोन पे। इन केस अगर आपको देखना होगा लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर सकते हो। बहुत अच्छी साड़ी है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे, काफी ट्रेंडी भी लगी एक्चुअली। एंड ये वाली जो है वो बहू के लिए है, जो कि घरी से नॉर्मल लिए थे, एंड ये अराउंड 2500 की कुछ है। ओके, ये इसमें तो अटेगा नहीं तो इसको अलग रखेंगे, ये तो मैंने रखा ही नहीं बताओ। ये ना आई शेडो पैलेट भी तो लेके जाना है मेरे को, वहां जाऊंगी तो फिर खोल लेंगे यार, वहां पे जाके खोलने के बाद फिर अपने हिसाब से चीजें ऑर्गेनाइज कर लेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे तो लेके अपन जा रहे हैं, फाइनली पैकिंग डन हो गई। ज्वेलरी वगैरह को लेके मैं बात करूँ ना गाइस, तो ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया है, वो वहीं पर आ जाएंगी ज्वेलरी, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है यार पैकिंग के बाद, सच्ची में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। तो ना अपन एक लेयर और बढ़ा सकते हैं, यहाँ से चेन खोलो ना तो ये थोड़ा और ऊंचा हो जाता है, स्पेशियस है एक्चुअली। ओह oh.